कैसे हैं आप सब दोस्तों। जंगलों की भूमि कहलाने वाला भारत का एक खूबसूरत राज्य है झारखंड, जिसके नाम में ही छुपी है इसकी पहचान। झाड़ जिसे हम वन भी कह सकते हैं और खंड यानी टुकड़े से बने झारखंड को सन 2000 में दक्षिण बिहार से अलग करके बनाया गया था। भारत के पूर्व भाग में स्थित राज्य वनस्पति और जीव जंतु से समृद्ध है। ये राज्य उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य से घिरा हुआ है। तो चले जानते हैं भारत के झारखंड राज्य के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों झारखंड राज्य कुल 79,700 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जबकि यहाँ की जनसंख्या 3,94,00,000 के करीब है। झारखंड में आदिवासियों की आबादी कुल आबादी का 28% है। झारखंड में करीब 30 श्रेणियों के आदिवासी समुदाय बसते हैं। ये राज्य जनजातीय बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर 12% लोग अनुसूचित जाति के हैं। इस राज्य की प्रमुख जनजातियाँ संथाल, उरांव, मुंडा, खड़िया और भूमजी आदि हैं। दोस्तों औद्योगिक शहर रांची झारखंड की राजधानी है और दुमका उपराजधानी शहर है। जमशेदपुर सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। टाटा स्टील प्लांट के साथ ही 1907 में जमशेदपुर शहर की स्थापना जमशेद जी टाटा द्वारा की गई थी। यहाँ टाटा स्टील लिमिटेड सबसे बड़ी कंपनी है, उसके बाद बोकारो स्टील प्लांट का नंबर आता है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। बाद में सेल के साथ इसका विलय हो गया था। इसके अलावा कई और आयरन और स्टील कंपनी झारखंड में है। राज्य में लोहा, कोयला, अवरक, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, एस्बेस्टस, डोलोमाइट जैसे खनिज बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था और समाज मुख्यतः खेती एवं वन पर निर्भर है। इस राज्य के कुल जमीन का चौथाई भाग परती और बंजर है। आजादी के पूर्व झारखंड में 65% जंगल थे, लेकिन फिलहाल मात्र 29% जंगल बचे हैं। झारखंड राज्य में भारत में खनिज संसाधनों के कुल हिस्से का लगभग 40% मौजूद है। यहाँ आपको देश के कोकिंग कोयले का लगभग 100% देखने को मिलेगा, जिसमें 30% अर्ध कोकिंग कोयला और 93% मध्यम कोकिंग कोयला शामिल है। इसके अलावा राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटकों की अहम भूमिका है। जिन लोगों को जंगलों और पहाड़ियों को घूमना पसंद है, उन्हें एक बार झारखंड जरूर जाना चाहिए। दोस्तों झारखंड एक आध्यात्मिक राज्य है, जिसमें कई अविश्वसनीय मंदिर हैं, जो पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण स्थान है। देवघर झारखंड राज्य के प्राचीन शहरों में से एक है, जो अपने भव्य मंदिरों के लिए लोकप्रिय है। झारखंड का इतिहास 5000 ईसा पूर्व तक है। झारखंड स्थित छोटा नागपुर में पाषाण काल के पत्थर मिले हैं। 500 ईसा पूर्व में झारखंड महाजनपद का हिस्सा था, जो कि मगध का हिस्सा हुआ करता था। समुद्रगुप्त ने छोटा नागपुर में ही दक्षिण कोसल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दोस्तों 80 के दशक में झारखंड में आंदोलन तेज हुआ। 1986 में झारखंड विषयक समिति का गठन हुआ। 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन हुआ। 1997 में झारखंड राज्य के गठन का संकल्प पारित किया गया और सन 2000 में झारखंड एक नया राज्य बना दिया गया। दोस्तों वायु सेवा में झारखंड में रांची हवाई अड्डा सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। रांची से देश के प्रमुख राज्यों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई के लिए नियमित उड़ानें हैं। इसके अलावा अन्य हवाई अड्डों में देवघर हवाई अड्डा मौजूद है, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं स्टेट हाईवे अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 2661 किलोमीटर की है। झारखंड रेल मार्ग से भी अच्छी तरह पूरे देश से जुड़ा है और कई रेलें प्रतिदिन झारखंड से अन्य जगहों के लिए जाती हैं। झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी है। इसके अलावा यहाँ पर नागपुरी, बंगाली, मगही, भोजपुरी आदि भी बोली जाती है। राज्य में लोकसभा की 14 और राज्यसभा में 6 सीटें हैं। दोस्तों झारखंड राज्य का राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी कोयल और राजकीय फूल पलास है। दोस्तों कई बड़े सेलिब्रिटियों का झारखंड से गहरा संबंध है, जैसे कि क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का जन्म रांची में हुआ है। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री और 1981 में मिस इंडिया रही मीनाक्षी सेसाद्री का जन्म सिंदरी में हुआ था। बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का जन्म जमशेदपुर में हुआ था और एक और बॉलीवुड की अभिनेत्री तनुश्री दत्ता का भी जन्म झारखंड की धरती पर ही हुआ है।
तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको भारत के एक खूबसूरत राज्य झारखंड राज्य के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया है। तो दोस्तों, झारखंड की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं और आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। और अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल्स संजीव मिश्रा और शॉर्ट्स बाय संजीव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट उन चैनलों को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि उन चैनलों पर भी आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस शहर या किस जगह की देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर रहूंगा हाजिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।